प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का कहर अब बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, बिलासपुर जिले के मालवी विधानसभा क्षेत्र स्थित करियाल गांव में सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चपेट में 7 घर आए हैं और पहाड़ी के मलबे के साथ खिसकते हुए लगभग 500 फीट खाई में नीचे चले गए हैं। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों सहित स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लगभग 30 ग्रामीणों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का कहर अब बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र स्थित करियालक गांव में सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में 7 घर आए हैं और पहाड़ी के मलबे के साथ खिसकते हुए लगभग 500 फीट खाई में नीचे चले गए हैं। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों सहित स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लगभग 30 ग्रामीणों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया है, जबकि पालतू पशुओं को निकालने के रेस्क्यू जारी है। इस बात की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश के दौरान जोर से धमाका हुआ और पहाड़ी से सारा मलबे उनके मकान तक आ पहुंचा, जिसके बाद बमुश्किल स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। हमारा परिवार 4 बजे उठा और जब देखा तो आंगन फटा, फिर रौड़ा पाया मकान फटा, फिर सारे परिवार को गांव वालों को फोन किया, रस्से से निकाले, जानी हमला आया और मैसी छड़ियां और खुलियां वो भाग गई। यहाँ हादसा हुआ, उसके बाद हम यहाँ पार गए, 5-7 लड़के इकट्ठे हो गए। हमने पहले इंसानों को निकाला, जो दबी हुई कैजुअलिटी उनको निकाला, उसके बाद पशुओं को, जब हम थोड़ी देर के बाद उन पशुओं को बाहर निकाल गए तो वहाँ के मकान जो है बिल्कुल धस गए। वहीं मौके पर पहुंचे घुमारवी एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि लैंडस्लाइड को लेकर रेस्क्यू लगातार जारी है और फिलहाल पीड़ित परिवार के लोगों को 40,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। कल रात से लगी हुई भारी बारिश के कारण घुमारवी में करियाल गांव में एक भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 7 परिवारों के मकान जो है तो पूरे के पूरे लैंडस्लाइड से स्किड हो गया और लगभग 100-150 मीटर नीचे चले गए हैं। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण लोगों के बड़ी हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने उनको सभी को रेस्क्यू किया। जब तक बाकी रेस्क्यू टीम पहुंची उन्होंने भी अपना योगदान दिया और सारे के सारे जो लोग ट्रैप्ड थे उनको सकुशल निकाल लिया गया है। अभी भी उनकी बिलोंगिंग्स और पशु वगैरह जो हैं तो वो निकालने को रहते हैं, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सभी को 40,000 रुपये फौरी राहत के तौर पर यहाँ पर दी गई है और इनके खाने के लिए जो है तो कम्युनिटी मील की व्यवस्था की है, राशन सारा आ गया है, गैस सिलेंडर आ गए हैं, कम्युनिटी मील बनाई जा रही है और लोगों को एहतियातन उस साइड ना जाने के लिए जो है तो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इन 7 मकानों की जमीनें मकानों सहित खिसक कर लगभग 400 से 500 मीटर नीचे तक चली गई हैं। विधायक घुमारवी राजेंद्र गर्ग प्रशासन सहित मौके पर पहुंचे और 40,000 की राहत राशि पीड़ितों प्रदान की और साथ ही बेघर हुए 7 परिवारों के ठहरने की व्यवस्था भी की।